फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड टाइल्स बिल्डिंग के एक फ्लोर पे थ्री थाउजेंड टाइल्स हैं विच आर रोम्बस शेप्ड जो कि रोम्बस की शेप में है तो रोम्बस बना लेते हैं इसका मतलब हम टाइल रोम्बस की शेप में है राइट आगे क्या कह रहा है? एंड ईच ऑफ इट्स diagonal आर 45 फाइव सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ तो हम इसे थोड़ा बिक बना लेते हैं ये टाइल है राइट और हमें इसकी डाइगनल्स दे रखी हैं और डायग्नल्स कितने कितने की दे रखी हैं ये मान लीजिए ये दे रखी है 45 सेंटीमीटर की पूरी डायग्नल और दूसरी वाली डाइगनल दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर की राइट अब आगे क्या कह रहा है फाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर हमें फ्लोर की टोटल कॉस्ट निकालनी है इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ फोर हमें पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है अगर कॉस्ट वन मीटर स्क्वायर की फोर रुपीज़ है तो और ये देखिए हमारा एक फ्लोर है बहुत बड़ा जिसपे थ्री थाउजेंड टाइल्स लगी हुई हैं और एक टाइल का डायमेंशन दे रखा है और हमें उसको लगाने की उसको एक टोटल कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग करने की तो कैसे निकालेंगे पहले हम निकाल लेंगे फ्लोर का एरिया कितना है तो पहले एक टाइल का एरिया पता चल जाएगा तो हम फ्लोर का एरिया निकाल सकते हैं फिर से बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा ये देखिए ये हमारा फ्लोर है और उस पर ऐसी टाइल्स लगी हुई हैं रॉम्बस शेप्ड की राइट ऐसे करके अब इस टाइल की एक टाइल का डायमेंशनस दे रखे हैं और इस पूरे फ्लोर को हमें पॉलिश करना है और इस फ्लो, पूरे फ्लोर पे थ्री थाउजेंड टाइल्स हैं राइट अब चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अब देखिए हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे तो टाइल से रिलेटेड लिख रही हूँ टाइल से रिलेटेड एक डायगनल दे रखी है डायगनल फर्स्ट दे रखी है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर की और डायगनल टू दूसरी डायगनल कितने सेंटीमीटर की दे रखी है दैट इज थर्टी सेंटीमीटर की और हमें एरिया निकालना है टाइल का तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना आ जाएगा हमें पता है रॉम्बस का एरिया जब डायग्नल दे रखी होती हैं तो हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू कर देते हैं तो हाफ डायगनल वन थी फोर्टी फाइव सेंटीमीटर की अब ये मैंने बताया और डायगनल टू थी थर्टी सेंटीमीटर की अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू टू फाइव ज़ा टेन तो ये कितना आ गया फ़िफ्टीन फ़ाइव ज़ा फिफ्टीन फाइव ज इज सेवेंटी फ़ाइव फाइव आया सेवन कैरी फिफ्टीन फोर जिक्सटी सिक्सटी प्लस सेवन इज सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर की एक टाइल हो गई राइट अब हमें ऐसी ऐसी थ्री थाउजेंड टाइल्स लगाई हैं यहाँ पे। तो टोटल एरिया निकाल लेंगे ऑफ दी फ्लोर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? नंबर ऑफ टाइल्स हैं हमारी थ्री थाउजेंड और एरिया ऑफ वन टाइल कितना निकला एरिया ऑफ वन टाइल निकल के आया हमारा सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलेगी देखिए एरिया ऑफ फ्लोर निकलेगा नंबर ऑफ टाइल्स जितनी भी नंबर ऑफ टाइल्स थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल से एरिया ऑफ वन टाइल से तो ए नंबर ऑफ टाइल्स थी थ्री थाउजेंड और एरिया ऑफ वन टाइल था सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा थ्री जीरोज एज इट इज थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन कैरी वन थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू टू कैरी थ्री सिक्स ज़ा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा फ्लोर का एरिया हो गया राइट अब हमें फ्लोर का एरिया पता चल गया लेकिन जो पॉलिशिंग कॉस्ट है वो रुपीज़ फोर है लेकिन मीटर स्क्वायर की वन मीटर स्क्वायर की राइट तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे करेंगे अगर आप देखें वन मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं राइट और वन सेंटीमीटर में कितने होंगे दैट इज ये हंड्रेड इधर से इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा वन अपॉन हंड्रेड मीटर हो जाएंगे राइट अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एक सेंटीमीटर का था तो दो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे टू जीरो टू फाइव ट्रिपल जीरो इंटू एक सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज किया फिर दूसरे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज किया अगर क्यूब होता तो तीन बार कर देते राइट अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब होता क्योंकि टू है पावर तो दो बार कर दिया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए दो ज़ीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ और यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो वो कौन सी होगी मीटर स्क्वायर की राइट तो ये कितना आ गया ये आ गया टू ज़ीरो टू फाइव टेन मीटर स्क्वायर और वी कैन से दैट टू ज़ीरो टू पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया फ्लोर का अब हमें कॉस्ट दे रखी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग वन मीटर स्क्वायर एरिया इज रुपीज फोर फोर रुपीज है एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पॉलिशिंग की तो हमें फ्लोर के पूरे फ्लोर की निकालनी तो इतने की कितनी होगी तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टू ज़ीरो टू पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर एरिया इज देखिए एक की दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है जब भी एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई राइट तो हम क्या करेंगे टू ज़ीरो टू पॉइंट फाइव को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा ये कितना आ जाएगा देखिए फोर फाइव ज ट्वेंटी ज़ीरो टू कैरी फोर फोर टू जा एट नाइन टेन कैरी वन फोर जीरो ज़ीरो वन फोर टू जै एट और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये कितना आ गया दैट मीन्स रुपीज़ एट हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ हमारे लगेंगे इस फ्लोर को पूरे को पॉलिशिंग करने के लिए आंसर